सुप्रिया नव भारत ये मिनी बुलेटिन में आपका स्वागत करती हूँ। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबरें। भारत ने जीते 3 स्वर्ण पदक। बजरंग पुनिया, दीपक पुनिया और साक्षी मलिक ने कल रेसलिंग में स्वर्ण पदक जीते। भारतीय टीम ने अब तक 9 स्वर्ण, 8 रजत और 9 कांस्य सहित कुल 26 पदक जीते हैं। उपराष्ट्रपति पद चुनाव के लिए मतदान शुरू। मतदान शनिवार सुबह 10 बजे शुरू हुआ, मतदान शाम 5 बजे तक चला। 52,000 के पार हुआ सोना, चांदी की कीमतों में आई गिरावट। IBJA की वेबसाइट के अनुसार सराफा बाजार में इस हफ्ते सोने में 614 रुपए की तेजी आई है। 1 अगस्त को सोना 51,405 रुपए पर था, जो अब तक 52,019 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। दूसरी ओर चांदी में 550 रुपए की गिरावट देखने को मिली है। चांदी 57,912 रुपए से फिसल कर अब 57,362 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई है। फिलिस्तीन ने इसराइल पर दर्जनों रॉकेट दागे। फिलिस्तीन ने शुक्रवार रात दक्षिणी और मध्य इसराइल पर रॉकेट दागे, जिससे हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजना पड़ा। रॉकेट हमले रात 9 बजे से कुछ समय पहले ही शुरू हुए। स्थानीय अधिकारियों के अनुसार दागे गए सभी रॉकेट या तो खुले क्षेत्र में उतरे या आयरन ड्रोन द्वारा रोक लिए गए। मणिपुर विधानसभा में NRC लागू करने वाले प्रस्ताव पारित। ये प्रस्ताव जनता दल के विधायक के जॉय किशन ने राज्य विधानसभा के बजट सत्र के अंतिम दिन पेश किए। उन्होंने दावा किया है कि राज्य के पर्वतीय इलाकों में 1971 से 2001 के बीच जनसंख्या में 153.3% की वृद्धि हुई और 2002 से 2011 के दौरान यह बढ़कर 250.9% पर पहुंच गई है। आज के इवनिंग बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। नवभारत से जुड़े रहने के